नमस्कार, मैं संस्कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। भारत ने आज के दिन अंतरिक्ष मिशन मंगलयान लॉन्च कर रचा था इतिहास। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष मिशन मंगलयान लॉन्च कर एक नया अध्याय लिख दिया था। 300 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने के बाद इसे 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध में आज के दिन मुगल शासक अकबर को मिली थी जीत। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के शासक हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान को हेमू पर निर्णायक जीत मिली थी। हेमू की बड़ी सेना के बावजूद अकबर की सेना ने युद्ध जीत लिया था। बाद में हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई। पानीपत के दूसरे युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए अफगानों के साथ चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप में मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्ष तक मुगल शासन रहा। महान स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास का आज के दिन हुआ था जन्म। सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी देश बंधु चितरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कई बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े। चितरंजन दास के पिता भुवन मोहन दास कलकत्ता उच्च न्यायालय के जाने माने वकीलों में से एक थे। अपने निधन से कुछ समय पहले देश बंधु चितरंजन दास ने अपना घर और सारी जमीन राष्ट्र के नाम कर दी थी। जिस घर में वे रहते थे वहां अब चितरंजन दास राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, जबकि उनके दार्जिलिंग वाले निवास में मातृ एवं शिशु संरक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक बीआर चोपड़ा का आज के दिन हुआ था निधन। बलदेव राज चोपड़ा हिंदी फिल्मों के एक निर्देशक और निर्माता थे। उन्हें नया दौर, कानून, वक्त, हमराज और 1980 दशक के आखिरी फिल्मों में टेलीविजन धारावाहिक महाभारत का निर्माण करने के लिए विशेषकर जाना जाता है। 1998 को उन्हें भारतीय सिनेमा का उच्चतम पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1944 में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने लाहौर में छपने वाली फिल्म पत्रिका सिने हेराल्ड के पत्रकार के रूप में की थी। बलदेव राज चोपड़ा को सन 2001 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। फिल्मकार बी आर चोपड़ा ने 5 नवंबर 2008 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।